बीजेपी विधायक रेणुका सिंह ज्योत्सना महंत पर पलटवार करते नजर आए। ज्योत्सना महंत के बयान पर पलटवार में रेणुका सिंह ने कहा कि सच तो ये है कि उनको राजनीतिक समझ नहीं है, उन्हें राजनीति समझ ही नहीं आती, इसीलिए पीएम मोदी का आकलन वो नहीं कर पा रहे। कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए लाइन में है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा पूरा करेगी। दरअसल ज्योत्सना महंत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब रावण का अहंकार नहीं चला तो मोदी का अहंकार क्या चलेगा, और इसी बात का जवाब रेणुका सिंह ने दिया और कहा कि ज्योत्सना महंत को राजनीति समझ में नहीं आती, कांग्रेस के लोग कतार में लगे हैं बीजेपी में आने। तो देखें आप ये ज्योत्सना महंत का बयान, जिस पर उत्तर दिया है रेणुका सिंह ने। सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सांसद होने के बावजूद यदि मैं भरतपुर सोनहत में विधायक के रूप में चुनकर आ सकती हूँ तो सुश्री सरोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, पार्टी ने बहुत सोच समझकर उनको कोरबा लोकसभा क्षेत्र से उतारा है। तो आपने दोनों तरफ नेताओं को सुना। ज्योत्सना महंत ने कहा कि ना कांग्रेस का ना बीजेपी का किसी का भी नारों वाला दंभ नहीं चलता या नारों वाली बात पूरी नहीं होती। पिछली बार 75 पार के नारे को हमने लगाया लेकिन पूरा नहीं हुआ, आपकी बार 400 पार का नारा भी शायद अधूरा रह जाए, 200 भी पार ना कर पाए। कांग्रेस पार्टी के इस बयान के बाद में और खास तौर पर महंत के इस बयान के बाद में ज्योत्सना महंत को उत्तर दिया रेणुका सिंह ने, कहा कि दरअसल वे राजनीति को समझ ही नहीं पा रहे, उनको राजनीतिक समझ नहीं है ये कहना चाहा, और ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता लाइन में खड़े हैं, 400 पार का नारा पूरा होकर रहेगा दावा किया।